देखिए जिस तरीके से पिछली बार जब पापा का जब निधन हुआ था तो उस वक्त हम लोग गांव गए थे, और उसके बाद इस बीच में भी मेरा एक कार्यक्रम लगा जब ये पूरा घटनाचक्र इस तरीके से हुआ, तो उस वक्त भी हम लोग गांव गए थे, और उसके बाद आज जा रहा हूँ। जो बरखी का कार्यक्रम हम लोगों ने पटना में किया था, तो गांव में भी रह रहे तमाम परिवार के सदस्यों की ये इच्छा थी कि इसी तरीके का एक भोज का आयोजन हम लोग को गांव में भी हम लोगों को करना चाहिए, तो आज वही कार्यक्रम है वहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल जा रहे हैं गांव, तो वहीं नीरज कुमार बबलू हैं, बिहार के मंत्री, कह रहे हैं कि चिराग पासवान एनडीए का ही हिस्सा है, इसमें कहा पूछा। भाई मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि मेरी ये प्राथमिकता ही नहीं है मेरी, मैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ नीरज कुमार बबलू जी का, पर मैंने इस बात को मैंने हमेशा कहा है कि मेरी अभी प्राथमिकता सिर्फ मेरी आशीर्वाद यात्रा है, और उसके माध्यम से अपने संगठन को मजबूत करना और मेरा ध्यान कहीं पे नहीं है। कितने हद तक सच है चिराग जी, जो विवाद उठा है फायर वाला, उसमें आपका भी नाम मतलब है कि हाँ उन्हें पता था, उन्हें पहले से संज्ञान में था? बिल्कुल मेरी जानकारी में था, इस बात को तो मैंने कहा ही है मेरी जानकारी में था, पर जैसे ही ये विषय मेरी जानकारी में आया, आप लोगों को याद होगा जब ये पार्टी में टूट और ये पूरा जब घटनाचक्र घटा था 13 जून को, उसके बाद संभवतः मैंने शायद 15 जून को मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी ये सवाल उठा था, और उससे भी मैंने इस बात को बहुत क्लियरली कहा था कि हाँ जनवरी के आसपास मेरे संज्ञान में ये पूरा मामला आया था, और उस वक्त मैंने दोनों को बुलाकर दोनों का पक्ष मैंने सुना। मैं कोई इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी नहीं हूँ, मैं ऑथोराइज नहीं हूँ इस तरीके के किसी भी क्रिमिनल मामले में किसी भी तरीके का कोई भी साइड लेने के लिए या डिसीजन लेने के लिए। इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इन्वेस्टिगेट होगा, सर सामने आएगा। तो उस वक्त मैंने दोनों को यही एडवाइस किया था कि आप दोनों पुलिस के पास जाएं, एफआईआर दर्ज कराएं और मैटर को इन्वेस्टिगेट होने दें, और मैं आज भी इसका पक्षधर हूं कि जो भी दोषी है उसको सजा मिले। आपके ऊपर भी उसमें मेरा नाम आया है भाई, आप ऐसे बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे मैं उसमें एक्यूज्ड हूँ। उसमें मेरा नाम आया जहाँ पे कहा गया है कि इनकी जानकारी में था, और मैं तो बोल ही रहा हूँ कि मेरी जानकारी में था, हाँ, पर मैं ही सबसे पहला वो शख्स हूँ जिसने इस बात की भी एडवाइस की कि भाई ये क्रिमिनल ऑफेंस का मैटर है, इसलिए इसको पुलिस में जाना चाहिए, पुलिस में दोनों को एफआईआर दर्ज कराने का सबसे पहला सुझाव मेरे द्वारा ही दिया गया। हम लोगों ने पार्टी की डिसिप्लिनरी कमेटी में भी इस मैटर को हम लोगों ने रिकमेंड किया, और पार्टी की डिसिप्लिनरी क्योंकि मेरे भाई होने के साथ साथ वो पार्टी के सांसद भी थे उस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल जा रहे हैं गांव, तो वहीं नीरज कुमार बबलू हैं, बिहार के मंत्री, कह रहे हैं कि चिराग पासवान एनडीए का ही हिस्सा है, इसमें कहा पूछा। भाई मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि मेरी ये प्राथमिकता ही नहीं है मेरी, मैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ नीरज कुमार बबलू जी का, पर मैंने इस बात को मैंने हमेशा कहा है कि मेरी अभी प्राथमिकता सिर्फ मेरी आशीर्वाद यात्रा है, और उसके माध्यम से अपने संगठन को मजबूत करना और मेरा ध्यान कहीं पे नहीं है। कितने हद तक सच है चिराग जी, जो विवाद उठा है फायर वाला, उसमें आपका भी नाम मतलब है कि हाँ उन्हें पता था, उन्हें पहले से संज्ञान में था? बिल्कुल मेरी जानकारी में था, इस बात को तो मैंने कहा ही है मेरी जानकारी में था, पर जैसे ही ये विषय मेरी जानकारी में आया, आप लोगों को याद होगा जब ये पार्टी में टूट और ये पूरा जब घटनाचक्र घटा था 13 जून को, उसके बाद संभवतः मैंने शायद 15 जून को मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी ये सवाल उठा था, और उससे भी मैंने इस बात को बहुत क्लियरली कहा था कि हाँ जनवरी के आसपास मेरे संज्ञान में ये पूरा मामला आया था, और उस वक्त मैंने दोनों को बुलाकर दोनों का पक्ष मैंने सुना। मैं कोई इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी नहीं हूँ, मैं ऑथोराइज नहीं हूँ इस तरीके के किसी भी क्रिमिनल मामले में किसी भी तरीके का कोई भी साइड लेने के लिए या डिसीजन लेने के लिए। इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इन्वेस्टिगेट होगा, सर सामने आएगा। तो उस वक्त मैंने दोनों को यही एडवाइस किया था कि आप दोनों पुलिस के पास जाएं, एफआईआर दर्ज कराएं और मैटर को इन्वेस्टिगेट होने दें, और मैं आज भी इसका पक्षधर हूं कि जो भी दोषी है उसको सजा मिले। आपके ऊपर भी नाम उसमें मेरा नाम आया है भाई, आप ऐसे बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे मैं उसमें एक्यूज्ड हूं। उसमें मेरा नाम आया जहाँ पे कहा गया है कि इनकी जानकारी में था, और मैं तो बोल ही रहा हूँ कि मेरी जानकारी में था, हाँ, पर मैं ही सबसे पहला वो शख्स हूँ जिसने इस बात की भी एडवाइस की कि भाई ये क्रिमिनल ऑफेंस का मैटर है, इसलिए इसको पुलिस में जाना चाहिए, पुलिस में दोनों को एफआईआर दर्ज कराने का सबसे पहला सुझाव मेरे द्वारा ही दिया गया। हम लोगों ने पार्टी की डिसिप्लिनरी कमेटी में भी इस मैटर को हम लोगों ने रिकमेंड किया, और पार्टी की डिसिप्लिनरी क्योंकि मेरे भाई होने के साथ साथ वो पार्टी के सांसद भी थे उस वक्त, अब तो खैर उनको पार्टी से निकाल दिया गया है, पर वो पार्टी के सांसद भी थे उस वक्त, और उस वक्त हम लोगों ने उनको यही एडवाइस दिया था पार्टी की तरफ से भी
कि आप FIR दर्ज करवाएं, और यही उन मोहतरमा को भी एडवाइस किया गया। अच्छा, उन्होंने सर आपकी मुलाकात हुई है, क्या साथ आएंगे, क्या युवा हैं आप? देखिए, अभिमन्यु मेरे छोटे भाई हैं और उनके परिवार से हम लोग के पुराने रिश्ते रहे हैं। आदरणीय रामकृपाल यादव जी मेरे पिताजी के समकक्ष रहे, साथ ही रहे, छोटे भाई की तरह रहे, भले किसी भी पार्टी में रहे, बट उनके और मेरे नेता के जो आपसी संबंध थे वो दो भाइयों की तरह थे और बहुत खूबसूरत संबंध थे। उसी नाते मेरे और अभिमन्यु युवा हैं, मेरे छोटे भाई के समान हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो ज़रूर मैं चाहूँगा कि ऐसे मेहनती लोग मेरे साथ आएँ। थैंक यू।